गाइस भालू 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 चले गया भैया, फंस गए हैं। यहाँ से नीचे जाना है क्या? ये तो भाई नेक्स्ट लेवल है। रेडी गुम हो गया, पता नहीं वो कहाँ है। एंड आई एम वेटिंग अमित का, अगर वो आता है। भाई लेपर्ड था यहाँ पे, भाई लेपर्ड था यहाँ पे। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज डे 2, हम हैं ओटी में। तो अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा तो वो देख लेना। अभी अपना होटल में है, तो यहाँ से चेकआउट करना है। रूम का हाल कुछ ऐसा हो चुका है एंड पैकिंग हमने कर ली है, तो ठीक है। आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बता देना। व्यू कुछ ऐसा है बाहर का, तो काफ़ी अच्छा है। एंड धूप निकल रखी है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है। एंड आई थिंक वहाँ पर कुछ हो रहा है। गाने कहाँ बज रहे हैं? तो निकलते हैं एंड आपको आगे का दिखाते हैं। तो यार, खाना पीना अपना ब्रेकफास्ट हो गया एंड इस प्रॉपर्टी को रखते हैं, बाय बाय। तो भाई निकल गए हैं और रोड कुछ ऐसा है। कति टॉप में था सामने का व्यू और यहाँ पे लिखा है आला ऊटी एंड रोड सामने ही कुछ ऐसी है। भाई यानी गदर गदर मचा रखा है यहाँ पे ना, पत्थरों पत्थरों का ना बना रहे हैं शायद। अभी नहीं, मतलब एटलीस्ट बना रहे हो, ढंग से तो रख दो। तो यार अभी बीच में कहीं रुके हुए हैं, ट्रैफिक लगा हुआ है एंड गाने चल रहे हैं। चल छैया छैया, ये अंकल क्या बेच रहे हैं? आइसक्रीम, ओ कुल्फी, बचपनों की याद दिला दी। इस व्यू चेक करो यार, क्या मस्त लग रहा है। जन्नत, थैंक्स टू रेड्डी। सो यस, नाइस, प्यारा लगा। बाकी देखते हैं अगला होटल हमारा कहाँ पे है एंड बस कोई हाल ना जाए आगे से। कमेंट करके बताओ गाइस कैसा लग रहा है। तो गाइस अपना कहीं पे रुके हुए हैं सेंटर में एंड कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक लेते हैं। ये भाई हमारा कैसा लग रहा है व्यू? और ये देख लो भाई, बड़ा मस्त व्यू है। और ये जय माता दी। तो चलो कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यार ये अपना पेप्सी ले लिया। चलो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड आगे निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये रास्ते के लिए कोल्ड ड्रिंक ले ली थी क्योंकि कुछ था नहीं पीने के लिए। बाकी व्यू ज़बरदस्त है, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो भाई अपना यहाँ पे रुके हैं, देखते हैं अभी कैसा है और बाकी बताते हैं। सो गाइस, रूम ढूंढते ढूंढते हो चुकी है हालत ख़राब, क्योंकि यहाँ पे होम स्टे थोड़े कम हैं एंड होटल्स भी कम हैं। तो अभी एक जा रहे हैं, वो अगर आपको साइड में दिख रहा होगा एक, ये अगर मिल गया तो ठीक है। बाकी हमने 2-3 होटल्स देख लिए हैं, बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे हमारा व्यू अच्छा नहीं था एंड एक कमरा देखा था जिसका मतलब काफ़ी ज़्यादा पैक्ड था, तो उसमें सफोकेशन हो जाता। इस चक्कर में उधर लिया नहीं। आपको दिखाने के लिए ही रूम देख रहा हूँ, थोड़ा सा ढंग का मिल जाए फिर दिखाते हैं। इस व्लॉग में आपको झील वील भी है यहाँ पर थोड़ी सी, वो भी देखेंगे और थोड़ा सा अपना वाटरफॉल है वो भी। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो जा रहे हैं वहाँ पे, वो मेरा दोस्त खड़ा हुआ है रूम के लिए, उनको पूछते हैं खाली है कि नहीं है। भाई ये है कुछ जहाँ पे देखने आए हैं, दिख तो बड़ा प्यारा रहा है, तो एक बार देखते हैं अंदर जाके बात करते हैं। भाई चिड़ियों की आवाज़ सुनो कितनी प्यारी आ रही है। सी ये तो अच्छा है यहाँ का यार। तो भाई यहाँ पे तो कोई मिला नहीं, घर ही खाली पड़ा हुआ है। अब चलते हैं आगे, देखते कुछ और कुछ मिलता है। तो टाइम हो चुका है 1:30 और रूम मिला नहीं है, और शाम को भी घूमना ही है थोड़ा सा। लेट्स सी, कुछ नहीं मिला तो फिर देखते हैं, कुछ भी रुकने के लिए लेना तो पड़ेगा ही। A few hours later. तो गाइस फाइनली रूम मिल चुका है, आपको रूम दिखाता हूँ कैसा है। सो यार ये अपना रूम है, दिस इज रूम, और ये हमारा बैठने का। आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। हटिए भाई साहब, ए सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पर बैठ के चाय पानी पी सकते हैं, और दिस इज़ द व्यू। सो भाई बताओ कैसा लग रहा है। बढ़िया व्यू के चक्कर में हम थे और बड़े बढ़िया व्यू मिल गया, और ये एक्चुअली अपना होम स्टे ही है, बट वेरी नाइस। कम से कम हमने 4, 5, 6, 7 होम स्टे देख लिए होंगे तब जाके हमको ये मिला एंड नाइस, बढ़िया है। और अब देखते हैं क्या प्लान है, और वो भी आपको दिखाते हैं आगे का। मुझे हेलो,
ये हमने जो रूम लिया है ये अपना कुन्नौर के पास लिया है एंड इसका प्राइस है सिर्फ 4000। सीरियसली ऐसा व्यू एंड रूम जैसा भी सिटिंग एरिया आपने देखा ही है, ये सारा कुछ यहाँ पे एंड अंदर भी, तो 4000 में यार बनता है, सही है, बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि ऐसा ही रूम अगर आप कहीं और देखने जाओगे ना, बहुत अच्छे पैसे ले लेंगे। एंड लास्ट टाइम जो हमने लिया था ऊटी में, रूम तो काफ़ी शिटी था एंड उसका प्राइस टू मच, 6000 एक रूम का। टू रूम्स लिए थे और कुछ व्यू नहीं था, नथिंग बट नाइस। एंड गाइज दिस इज ऑल टीटरी, पूरा फार्म है, नाइस। एंड सामने माउंटेंस। लेट्स सी रात में टेम्परेचर कितना होगा, 16, नाइस। बनता है भाई, बनता है, थम्स अप बनता है। आर्या गाइज ये हमारे पैरों में सो गया, आके सो गई, सॉरी। और नाम तो लड़कों वाला आर्या लेकिन है लड़की। गाइज हमको एक दोस्त और मिल गया। हाँ भाई इधर आओ, इधर आओ, क्या चल रहा है? इसका नाम क्या है पता है? ऑरेंज। एंड वी हैव वन मोर फ्रेंड, शी इज सिटिंग देयर। क्या चाह रहे? किटी 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 किटी। आई बिलीव कि वो भाग जाएगी, मुझे लग रहा है। ओह नहीं भागी, नहीं वो तब से सो रही है वहीं पे। यार नाइस, सो फ्रेंडली, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो। हाँ भाई हेलो। एंड यार यहाँ पे अपना शाम को अगर बॉनफायर करते हैं तो वो भी है। एंड शी इज एंजॉयिंग, ये किटी। सी ओ ए मेरे साथ खेलो, हैं क्या हो गया? नो। ए नो, उनकी फाइट होगी। ये काम कमर। एटलीस्ट यहाँ पे आए, इतना दूर, इतना टाइम लगा रूम ढूंढने में, इतना टाइम लगा बट चीज़ मिल गई। तो कुछ रेस्टोरेंट कैफ़े देखते हैं एंड कुछ यहाँ पे वाटरफॉल भी है ना, तो वाटरफॉल अगर जाते हैं तो आपको दिखाते हैं। लेट्स सी। तो गाइस अपना निकल गया रूम से एंड अभी जा रहे हैं किसी कैफ़े में। लेट्स सी कहाँ जाते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए फिर आगे। आ चुके हैं, तो भाई आ चुके अपना कैफ़े में। तो गाइस दिस इज द कैफ़े, देख तो अच्छा रहा है। लेट्स सी खाना कैसा है। गाइस वी ऑर्डर्ड अपना पनीर नान, नान एंड फ्राइड राइस। तो यार अपना जा रहे हैं अब वाटरफॉल की तरफ, चलो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। एंड बाकी फुल ग्रीनरी हो रही है अपना, अब जाते हैं वाटरफॉल देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं। एंड मंकी थोड़े से यहाँ पे आगे दिख रहे हैं तो फ़ोन अंदर रख लेता हूँ मैं। कहाँ है वाटरफॉल, इस साइड या इस साइड? क्योंकि इतना लंबा, इससे बेटर बोलो कि वाटरफॉल है ही नहीं। ऐसा कोई मजाक करेगा तो फिर गुस्सा आ जाएगा ना। जस्ट खाना खाया था, मुझे लगता है अब खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा हमारा और फिर वाटरफॉल में जाके मुँह हाथ धो लेंगे। और भाई ये अपना गांव जैसा सा रास्ता, मतलब पहाड़ है, लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ से निकल के जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मैं सांस ले रहा हूँ क्योंकि थक गया हूँ। और पूरे झाड़ी हो रखी है यहाँ पे, तो भाई बिल्कुल ही अलग ही लग रहा है ये तो। झाड़ी से चलते चलते निकल रहे हैं। कहाँ है अमित, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। इतनी मेहनत और वाटरफॉल अजीब निकला ना, फिर पता लगेगा। देख रहे हो गाइस, कंटेंट के लिए बंदा कहाँ घुस रहा है। लाइक कर देना भाई एंड कमेंट और सब्सक्राइब शेयर सब कर दो। देख के आराम से। हाँ और आगे का और ख़तरनाक है वो भाई साहब, ये देख रहे हो बिल्कुल झुक झुक के।
तो भाई अब ये टी ट्री के प्लांट के यहाँ से निकलना है और वो हमको उस साइड जाना कहीं पे। और अगर साउंड तो इसमें अभी आ नहीं रहा होगा बट हमें आ रहा है। रेड्डी कहाँ है? रेड्डी नीचे जा चुका है, वो स्पीड में निकला। भाई आओ चलो और देख के आना है, थोड़ा सा नीचे ना पैर ना फिसले। भाई लेवल अप होता जा रहा है, लेट्स सी यहाँ से अब नीचे आना होगा। एंड गाइस आपको आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की? हाँ हाँ आ गया आ गया। ओ फक मैन, यहाँ से नीचे जाना है क्या? मे बी। ओ ये तो भाई नेक्स्ट लेवल है। भाई साहब हालत ख़राब हो गई है और हमने रॉन्ग टर्न ले लिया था। नाउ वी आर गोइंग किसी और रास्ते से, लेट्स सी। भैया फंस गए हैं तो अब जा रहे हैं यहाँ से, लेट्स सी क्या होता है। बट लोग तो आ रहे हैं। ओके यार डेंजर है थोड़ा सा। तो भाई दिस इज़ द वाटरफॉल, बेसिकली वहाँ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो अलग जो रूट था काफ़ी डेंजर था तो आए नहीं। रेड्डी गुम हो गया, पता नहीं वो कहाँ है। एंड आई एम वेटिंग अमित का, अगर वो आता है ठीक है, मुँह हाथ धोते हैं और थोड़ा वेट करते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई उसमें वाटरफॉल में ऐसा कुछ खास था नहीं। आई एम गोइंग बैक बिकॉज रेड्डी और अमित वो इधर उधर हो चुके हैं। तो मैंने डिसाइड करा अपना पार्किंग एरिया में जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बोल रहे भालू भी आ जाते हैं। मैंने भालू आ गया तो दिक्कत हो जाएगी तो इससे बढ़िया निकलते हैं और लेट्स सी कहाँ पे हैं वो बाकी दोस्त। तो ठीक है, नाइस व्यू इज़ नाइस बट लेट्स सी। तो यार बैंड बज चुकी है, सॉरी हाँ ओके। सो यार बैंड बज चुकी है और अंधेरा भी होने वाला, तो मैंने सोचा निकलते हैं अब। तो चलो एंड अभी रेड्डी को भी ढूंढना और अमित को भी, चलो आगे चले। तो यार अपना पार्किंग एरिया में आ चुका हूँ गाड़ी के यहाँ पे एंड रेड्डी का वेट कर रहे हैं। वो शायद से व्यू पॉइंट गए हुए हैं और मेरी हालत नहीं हो रही जाने की। अब कहीं जाएंगे कुछ खाएंगे या पहले तो मुँह हाथ धोएंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन यहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। और बस थोड़ा वेट करते हैं और वो खड़ी हुई अपनी गाड़ी, तो बस निकलते हैं। प्यास भी लगी है बहुत ज़्यादा तो पानी वानी कुछ देखता हूँ। और भाई अपना हम पहुँच चुके हैं घर के, मतलब लोग पास ही रूम के एंड ट्रैफिक हो रहा है थोड़ा सा। गाइस भालू 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 चले गया यार, भालू था कसम से, मज़ा आ गया था। ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं हुआ ना ढंग से, मे भी हो गया हो मेरे फ़ोन में, लेकिन गाइस मज़ा आ गया। भालू देख लिया, पहली बार देखा मैंने ऐसे रोड में भगता हुआ। भाई लेपर्ड था यहाँ पे, भाई लेपर्ड था यहाँ पे, वो लेपर्ड था भाई। फक मैन दिखा नहीं, आया नहीं होगा, वो लेपर्ड था भाई, साफ दिखा मेरे को। तो यार फाइनली अपना रूम पे आ चुके हैं एंड इस व्लॉग को करते हैं ही ख़त्म। बाकी एक लेपर्ड देखा हमने जिसका सिर्फ फेस देखा मुझे, और रेड्डी भाई कह रहे हैं कि मुझे तो बिल्ली ऐसा लगा, लेकिन मैंने अच्छे से देखा था वो अपना लेपर्ड ही था। एंड हमने एक भालू देखा, मतलब वो थोड़ा सा कैच हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वो आपको दिख जाएगा वीडियो में। तो बाकी ठीक है, चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। चलिए भाई टेक केयर।